फिफ्थ ट्यूट का लास्ट क्वेश्चन जो जैसा कि आप कह रहे हो मुझसे, इसमें दे रखा है अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 2 × 2 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, है ना, हैज एन आयरन कोर म्यू आर जिसका है 1000 और 4000 टर्न्स पर मीटर हमें दे रखे हैं। इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 500 mA, हमें इसका इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है पर मीटर एंड द एनर्जी पर मीटर स्टोर्ड इन द फील्ड। ठीक है, तो अगर आपको लास्ट लेक्चर वाला कुछ पोर्शन याद हो तो हम लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व करे थे, एक सोलेनॉइड और एक टोरॉइड का हमने इंडक्टेंस निकाला था, है ना। सोलेनॉइड का इंडक्टेंस हमने कैसे निकाला था, सोलेनॉइड का इंडक्टेंस हमने निकाला था कि जो एल होता है मेरा, वो कैसे निकालते थे हम लोग, एल होता था मेरा एन इन टू शाई डिवाइड बाई आई, है ना। अब ये शाई निकालने के लिए पूरी तामझाम था, शाई निकालते थे हम बी डॉट डी एस से, है ना, और ये बी हम निकालते थे उस सोलेनॉइड के लिए, वो जो लॉन्ग ये सपोज सोलेनॉइड है उसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा है 2 × 2 मीटर स्क्वायर, है ना, कुछ ये था, है ना, ये कुछ स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखो बी जो होगा वो हम क्या निकालते थे, एट द सेंटर निकालते थे, क्योंकि सेंटर पर ही बी इन पूरे वायर्स से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहा है ना। और ये इंडिविजुअल सेक्शंस हम बोल रहे हैं कि एक मीटर के अंदर अगर 4000 टर्न्स हैं, 10000 टर्न्स हैं, 1000 टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है, मतलब वी कैन अज्यूम दैट द टर्न्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। दैट मीन्स हम एक टर्न को इंडिविजुअल सेपरेटली सेपरेट लूप की तरह कंसिडर कर सकते थे, और अगर हम सेपरेट लूप की तरह कंसिडर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एच, है ना, एच निकालते हैं विद इन दी स्ट्रक्चर, ये इसके अंदर अगर मैं एच निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा, एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई एनक्लोज से हम निकालेंगे, है ना, इक्वल्स टू आई एनक्लोज से निकालेंगे, और आई एनक्लोज की वैल्यू कितनी होगी, आई एनक्लोज की वैल्यू होगी एन टाइम्स आई, क्योंकि अगर इसके अंदर आई करंट है एक टर्न से तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास कितने हैं, एन, है ना, एन टर्न्स है, तो हम क्या बोलेंगे एन इंटू आई कर देंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया टोटल टर्न, टोटल करंट, और एच डॉट डी एल हम मान के चलेंगे एच इज कॉन्स्टेंट एंड एल इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो वी कैन से दैट इट इज सिंपली एच, एच तो कॉन्स्टेंट है एम्पीरियन लूप के थ्रू, है ना, और डी एल की वैल्यू हम लिख लेंगे एल, और ये हो जाएगा सीधे सीधे एन आई के बराबर। तो यहाँ से हम एल निकाल लेंगे, सॉरी यहाँ से हम एच निकाल लेंगे, ये एल छोटा मान लो, कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, एच इक्वल्स टू एन इन टू आई डिवाइड बाई एल, और ये चीज़ से हम क्या निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे, और वो जो बी आएगा दैट इज इक्वल्स टू म्यू इन टू एच। ठीक है, और ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, बी के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी सिंपली इक्वल्स टू म्यू टाइम्स कितना, एच, एच कितना आया, एन इन टू आई डिवाइड बाई एल, ऐसे ही हमने डिराइव करा था, है ना। अब ये तो हमने निकाला एक टर्न से पास होने वाला फ्लक्स, मुझे एन टर्न से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, दैट मीन्स दिस इज मल्टीप्लाई विद, ये पूरी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे इस फाई की शाई की जगह, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, है ना, म्यू एन स्क्वायर आई डिवाइड बाई एल डिवाइड बाई आई, है ना, इस वाले आई से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इट विल बी सिंपली इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एन स्क्वायर बाई एल। ठीक है, ये चीज, ये एक्सप्रेशन मुझे सोलेनॉइड का यूज करना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मुझे म्यू गिवन है, मुझे एन गिवन है, मुझे एल गिवन है, है ना, मुझे कैपिटल एल निकालना है, और कैपिटल एल निकालने के बाद हम निकालेंगे डब्ल्यू एम, ये दो चीज़ें मुझे निकालनी है। एक बार पैरामीटर देख लेते हैं क्या क्या थे, है ना, देखो ए रह गया इसमें, बी डॉट डी एस में ए भी तो होता है, ए तो यहाँ पे ए और आएगा एरिया, है ना, एन स्क्वायर ए इंटू आई। ठीक है, तो अब देखो एरिया कितना है, 2 × 2 मीटर स्क्वायर, मतलब 4 मीटर स्क्वायर एरिया है आपका, 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, म्यू कितना है आपका, म्यू आपको दे रखा है म्यू आर 1000, यानी 1000 म्यू नॉट हो जाएगा म्यू, 1000 म्यू नॉट हो जाएगा म्यू, आपको दे रखा है एन,
एन नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 4000 टर्न्स पर मीटर, ठीक है, यहाँ पर 4000 टर्न्स पर मीटर टर्न है, और एल कितनी दे रखी है आपको, एल आपको दे रखी है, एल आपको दे नहीं रखा है, वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, है ना। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसकी लेंथ मान लेते हो कि ये एल है ना, तो ये टर्न कितने हो जाएंगे, 1 मीटर में 4000 टर्न, तो एल मीटर में एल इंटू 4000 टर्न्स, दैट मीन्स वी कैन राइट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज 4000 एल विद इन द लेंथ। इस लेंथ में, एल लेंथ में कितने टर्न है, 4000 एल टर्न्स है, 1 मीटर में 4000 टर्न्स है, तो एल टाइम एल मीटर में कितने हो जाएंगे, एल इंटू 4000 टर्न्स हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ ये सारे पैरामीटर आपको पता लग गए, है ना, ये सारे पैरामीटर पता लग गए आपको। सीधे सीधे क्या निकालना है, इंडक्टेंस पर मीटर निकालना है, यानी एल डिवाइड बाई एल निकालना है। देखो इंडक्टेंस पर मीटर निकालना है, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि इंडक्टेंस पर मीटर ही निकाल पाएंगे हम, देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में एल आपको निकालना है, ये फॉर्मूला रख लो, म्यू इंटू एन स्क्वायर इंटू ए डिवाइड बाई एल, यही तो है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, एन की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है 1000 म्यू नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू आप रख लोगे, इंटू एन की वैल्यू कितनी है 4000 एल, मतलब ये हो जाएगा 4000 का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, इंटू ए कितना है 4 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दो 4, डिवाइड बाई कितना है एल, इस वाले एल से एक एल कट जाएगा, ये एल बचेगा, और इस एल की वैल्यू मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इंडक्टेंस पर मीटर निकाला, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू पता है आपको, 4 पाई इंटू 10 पावर -7, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू सारी कॉन्स्टेंट है, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ इंडक्टेंस पर मीटर, ठीक है, निकाल लोगे भूमिका, यस आसान है। सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें सर, आपको यस निकालना है सर, एनर्जी पर मीटर स्टोर्ड इन इट्स फील्ड। एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन था जो हमने कल करा था, ध्यान है, बोलो। बोलो बोलो बोलो, हाफ एल आई स्क्वायर, ध्यान आ रहा है कुछ, कल करा था ना हमने, आपको यस सर, हाफ कॉन्स्टेंट है, एल आपको इंडक्टेंस रखना है, और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ निकालनी है, पर मीटर निकालनी है, मतलब आप एल की वैल्यू क्या रखोगे, एल बाई एल रखोगे, ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, ठीक है। आई आपको गिवन है, गिवन है क्या, आई दे रखा है आपको 500 मिली एम्पियर, है ना, तो आपको एल डिवाइड बाई एल गिवन है, आपको आई गिवन है 500 मिली एम्पियर, ये दोनों वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज आप इसके अंदर रख दोगे और आपके एनर्जी स्टोर हो जाएगी। पर मीटर कर लोगे बच्चों, यस सर, ठीक है, हो गया हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। और बताओ, और कौन सा डाउट है, क्वेश्चन नंबर टू, असाइनमेंट 6 डिस्कस कर रखा है क्या हम लोगों ने, नो क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट चार्ज 10 नैनो कूलॉम, 10 कूलॉम मूव्स इन अ विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी दे रखी है ईएम फील्ड के अंदर, ठीक है। आपको निकालना है ई, अगर आपको ये दे रखा है, बी आपको ये दे रखा है, तो आपको फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स और टोटल चार्ज, टोटल फोर्स, तो कैसे निकालेंगे, है ना, ये देख लेते हैं एक बार, असाइनमेंट 6 का, है ना, असाइनमेंट 6 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है, आपको एक क्यू दे रखा है, ठीक है, आपको ई दे रखा है, आपको बी दे रखा है, ये वैल्यूज गिवन है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और टोटल फोर्स, ठीक है, ये आपको दोनों निकालने हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और जब आप ये दोनों निकाल लोगे तो आपका टोटल फोर्स आ जाएगा एफ ई प्लस एफ एम, ठीक है। तो ये तो आप निकाल ही लोगे अगर आपने ऊपर वाले दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं।
अगर मुझे ई और बी पता है तो मैं एफ ई निकालूंगा। एफ ई कैसे निकालते हैं? एफ ई निकालने के लिए मुझे पता है कि एफ ई ये लगेगा क्यू इंटू ई बार, है ना। क्यू मुझे पता है, ई मुझे पता है, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करता हूँ तो एफ एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एफ एम निकालने के लिए हमें पता है चार्ज पर फोर्स लगता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वी इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज बाय विच दिस चार्ज इज मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ये वेलोसिटी गिवन है, क्यू तो पता है ही। आप ये दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? एफ एम आ जाएगा। और आपने ये और ये इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, टोटल फोर्स निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, अगर आप ध्यान से देखो तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एन एवरेज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो, कोबाल्ट रिंग, कोबाल्ट की एक रिंग दे रखी है जिसका मीन रेडियस है 330 सेंटीमीटर, ठीक है, एक रिंग है, एक कोबाल्ट की रिंग है, ठीक है। और इसकी रेडियस, मीन रेडियस का क्या मतलब है कि ये रिंग है, ऑब्वियसली इसकी थिकनेस भी होगी कुछ, तो हम उसकी मिड पॉइंट वाली रेडियस यानी मीन रेडियस एज्यूम कर सकते हैं। और इसके मिड पॉइंट में यानी इसके यहाँ तक, ठीक है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी थिकनेस है तो इसके आधे में हमने यहाँ तक ले लिया, ये थिकनेस दे रखी है आपको, रेडियस दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो म्यू है वो आपको गिवन है, म्यू आर एज इतना 600 आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको निकालना है, अगर इस इसके ऊपर अगर मैंने कॉइल बाइंड कर दी, ठीक है, कॉइल मैंने लगा दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से करंट दे रहा था, यहाँ से करंट डाला था वापस, ठीक। तो अगर मुझे ये करंट गिवन है, ये करंट कितनी है? ये करंट है 12 एम्पियर की, ठीक है। मुझे निकालने नंबर ऑफ टर्न्स, अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालूं 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी अगर मुझे पता है कि इसके थ्रू, इसके अंदर बीच में अगर 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो वो कितनी होगी? वो कैसे निकालेंगे हम? वो निकालेंगे हम सीधे सीधे निकालेंगे इसके अंदर H, है ना, दूसरा कलर ले लेता हूँ। अगर मुझे इसके अंदर इस दूरी पर, है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? वी कैन यूज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड एंड इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड, है ना। उससे जस्ट पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इंडक्टेंस तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम सीधे सीधे एच निकालेंगे। मुझे पता है एच निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई एनक्लोज वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। आई एनक्लोज मतलब एन टर्न्स और एक करंट, एक टर्न में एन आई करंट है, तो एन इंटू आई टोटल करंट हो जाएगी जो इस लूप से पास होगी, इस एच डॉट डी एल के क्लोज इंटीग्रल के बराबर होगी, ठीक है। एच एम्पीरियन लूप में कांस्टेंट है और डी एल की वैल्यू कितनी है? इंटीग्रेशन ऑफ डी एल विल बी, ठीक है, डी एल वैक्टर हटा देंगे क्योंकि यहाँ से एच वैक्टर हमने बाहर निकाल लिया, डी एल क्या होगा बोलो, कर रखा है हमने, बोलो जल्दी बोलो कितना होगा? ये होगा कितना? ये अगर रो है, 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई रो, तो एच इंटू 2 पाई रो, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी द टोटल एनक्लोज करंट, दैट इज इक्वल्स टू एन आई। तो अगर मुझे यहां से एच पता है एन इंटू आई डिवाइड बाई 2 पाई रो, तो क्या मैं म्यू इंटू एच निकाल सकता हूँ, बी निकाल सकता हूँ, यानी मेरा बी आ गया। और इस बी की वैल्यू मुझे गिवन है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी बी इज इक्वल टू 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई डिवाइड बाई 2 पाई रो। अब देखो म्यू आर गिवन है, म्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट है, एन आपको निकालना है, आई आपको गिवन है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, और रो आपको गिवन है, मीन रेडियस गिवन है, बी आपको गिवन है। यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। कैसे निकालेंगे? एन इक्वल्स टू
1.5 इंटू 2 पाई रो डिवाइड बाई म्यू आर म्यू नॉट, है ना, म्यू आर म्यू नॉट इंटू आई। ये वैल्यूज रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, अच्छा बी रह गया 1.5, अच्छा 1.5 रख दिया ना मैंने बी की वैल्यू, है ना, एन। यहाँ से आप टर्न्स निकाल लोगे, ये टर्न्स, तो मिनिमम टर्न्स मुझे इतने रिक्वायर्ड हैं अगर मैं इस 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड को विद इन दी कोबाल्ट रिंग मेंटेन करना चाहता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया, जल्दी बोलो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टॉर्क ऑब्जर्व्ड बाय द लूप ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर placed at the origin if its current is 5 ampere and it is placed in a magnetic field B. B की value given है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टॉर्क। हाँ कुछ पूछ रहे हो, कुछ पूछना है, क्वेश्चन 3 है ना, क्वेश्चन 3 में आपको B given है, आपको R given है 2 सेंटीमीटर, है ना, आपको करंट गिवन है 5 एम्पियर, ठीक है, आपको ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टॉर्क, फाइंड द टॉर्क, ठीक है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, हमें पता है टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस बी होता है, ठीक है, और एम क्या होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है आई एस, ठीक है, क्रॉस, ठीक है। अब S क्या है, S आपका है सरफेस एरिया, और चूंकि सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, I इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए वेक्टर का साइन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर दे रखा है कि इट इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, मतलब मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि ये मेरा एक लूप रखा है और यहाँ पर ओरिजिन पर प्लेस है, तो इस ओरिजिन के जो टॉर्क होगा, जो मोमेंट होगा, ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट का एरिया होगा ए जेड क्या, सॉरी एरिया नहीं होगा, इस मोमेंट का यूनिट एरिया का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए जेड क्या, तो यहाँ पर आ जाएगा ए जेड क्या क्रॉस प्रोडक्ट विद बी। बी आपको गिवन है 5ay - 3az, 5ay - 3az क्या, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे एम क्रॉस बी, आई आपको गिवन है, आई कितना गिवन है, आई गिवन है आपको 5 एम्पियर, आई की वैल्यू रख दो यहाँ 5 एम्पियर, आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, है ना, तो ये हो जाएगा 5 × 3.14 × 2 × 10⁻², मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने, ठीक है, और ए जेड क्रॉस ए जेड तो 0 हो जाएगा, ए जेड क्रॉस ए वाई यानी माइनस ए एक्स का, तो माइनस का ए एक्स का, और 5 ये वाला लिया जाएगा इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट स्ट्रिप ऑफ 2 सेंटीमीटर कैरीज करंट ऑफ 15 एम्पियर पर मीटर 2 सेंटीमीटर वाइड, ये 2 सेंटीमीटर वाइड है ना, इसके अंदर 15 एम्पियर पर मीटर करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर लिखना कुछ छूट गया, ये शोन इन फिगर, ये इस डायरेक्शन में करंट आपको दे रखी थी एक्स डायरेक्शन में। फाइंड द फोर्स ऑन द स्ट्रिप पर यूनिट लेंथ, ठीक है, अब आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, फोर्स निकालने के लिए हमें पता है कि एफ जो होता है वो क्या होता है, एफ होता है बी आई डी एल क्रॉस बी, कितना होता है आई डी एल क्रॉस बी, है ना, या फिर जे सॉरी के डी एस क्रॉस बी या फिर जे डी बी क्रॉस बी, किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, अगर आपको करंट लाइन सरफेस या वॉल्यूम की फॉर्म में दे रखी है, लाइन के लिए तो ये वाला, शीट या सरफेस के लिए ये वाला, वॉल्यूम के लिए ये वाला, ठीक है, हमें क्या दे रखा है, शीट दे रखी है, हमें शीट दे रखी है, तो हम ये वाला यूज करेंगे, लेकिन हमें के दे रखा है, देखो के दे रखा है आपको, कितना के दे रखा है आपको, 15 एम्पियर पर मीटर, 15 एम्पियर पर मीटर करंट दे रखी है, ठीक है, और ये करंट है ए एक्स कैप डायरेक्शन में, ए एक्स कैप क्रॉस डी एस, अब डी एस तो मुझे पता नहीं है,
मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मत करो, क्रॉस से कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे डी एस, इंटीग्रेट कर देंगे इसको ऑब्वियसली, तो ये पूरा का पूरा फोर्स आ जाएगा, है ना, तो इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक। क्रॉस बी, बी आपको गिवन है, बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है 0.20 ए वाई कैप, 0.2 ए वाई कैप, ए वाई कैप, और ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा एफ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मुझे सरफेस एरिया निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए लेंथ, एक चाहिए ब्रेथ, ठीक है। अब देखो ये इनफाइनाइट करंट स्ट्रिप है, इधर डायरेक्शन में, एक्स में इनफाइनाइट है लेकिन वाई में 2 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इसको सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करूं तो यहाँ पर दो चीज़ें हो जाएंगी, है ना, एक 0 से लेकर के 2 सेंटीमीटर, ये है वाई, ये जेड है ना, ये वाला जेड, जेड कर लेते हैं इसको, वाई नहीं है, जेड है। और एक्स के लिए क्या होगा, एक्स के लिए 0 से लेके L कर लेंगे, क्योंकि मुझे निकालना है पर यूनिट लेंथ, देखो फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ मतलब L को मैं इधर ले जाऊंगा F के नीचे, और बाकी सारा कुछ सेम ही है। 15 ए एक्स क्रॉस ए वाई मतलब ए जेड, और 15 × 0.2 मतलब 4.5, ठीक है, 4.5, और डी एस मतलब डी एक्स डी जेड, ठीक है। जब मैं डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ आ जाएगा एल, तो 4.5 L, और डी जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो यह आ जाएगा 0.02, 2 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया F की वैल्यू, मुझे निकालना है F बाई L, तो F अपॉन L कितना आ जाएगा, 4.5 × 0.02 मतलब 0.9 90 है ना, 1 2 3 0, तो 0.09 ये आपका फोर्स आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है, ये सोलेनोइड की तरह से निकाल लोगे आप इजीली, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, बुक में दे रखा है ना, सॉल्व एग्जांपल है, आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका बाउंड्री कंडीशन वाला, तो बाउंड्री कंडीशन में आपको एच गिवन है, ये शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट ट्यूट में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाउंड्री कंडीशन नहीं है ये, कुछ और है, ये आपको निकालना एनर्जी स्टोर, ओके, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ म्यू एच स्क्वायर डी वी, ये आ गई एनर्जी स्टोर, ठीक है। अब आपको एच दे रखा है, एच दे रखा है, ठीक है, आपको एच दे रखा है, और आपको एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है, एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है, मतलब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे म्यू, है ना, और म्यू की वैल्यू कितनी होती है, म्यू कुछ होता है 1 + chi m, और chi m आपको दे रखा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 19, यानी म्यू की वैल्यू 20 हो गई, 1 + 19 मतलब 20, ठीक है, म्यू आर की वैल्यू 20 हो गई, सॉरी, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 × 20 μ₀, ये तो कांस्टेंट है, और एच स्क्वायर मतलब एच डॉट एच, एच डॉट एच मतलब आप इसकी स्क्वायर कर दो, प्लस इसका स्क्वायर कर दो, प्लस इसका स्क्वायर कर दो, उन सबको ऐड कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा 25 x^4 y^2 z^2, नहीं ये हो जाएगा 25 x^4 y^2 z^2 प्लस 100 x^2 y^4, 100 x^2 y^4 प्लस, अगला हो जाएगा 225 x^2 y^2 z^4, 225 x^2 y^2 z^4, ठीक है, और यहाँ पर लिख लो dx, dy, dz, ठीक। अब आप लिमिट लगा दो, x के लिए 0 से 1, y के लिए 0 से 2, z के लिए -1 से 2, है ना, तो x के लिए, y के लिए और z के लिए तीनों की लिमिट लग जाएंगी अपर लोअर, और फिर इसको सॉल्व कर लोगे आप, तो ये आपका एनर्जी स्टोर आ जाएगा, कर लोगे बच्चों, यस सर। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, लेकिन बाउंड्री कंडीशन दे रखी है सर्कुलर सिलेंड्रिकल के लिए, है ना, तो यहाँ पर रो और फाई दे रखा है, तो आप
सिलेंडर के अंदर इनसाइड दे रखी है ना, तो आउटसाइड यानी नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, एरो कैप, यानी ये वाला कंपोनेंट हो गया नॉर्मल। तो ये वाला क्या बचा, टेंजेंशियल वाला बचा। आपको बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट से निकालने होते हैं, वो आपने निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद आप बाउंड्री कंडीशन लगा दो कि टेंजेंशियल वाले बराबर होते हैं अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, और नॉर्मल के मैग्नेटिक फील्ड वाले बराबर होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्मल वाला कंपोनेंट एज इट इज बराबर हो जाएगा, और टेंजेंशियल के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, मतलब डिवाइड बाई म्यू नॉट करना पड़ेगा, ठीक है। रीजन पहला वाला 800 म्यू नॉट, और दूसरा वाला जो फ्री स्पेस है उसके लिए म्यू की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट, तो 1/800 इसका वो आ जाएगा, और उससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो ऑटोमेटिकली आपका उस पर्टिकुलर रीजन के लिए क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा। और टेंजेंशियल और नॉर्मल को आप जोड़ लोगे मीडियम टू के लिए, तो वो आ जाएगा आपका B2, ठीक है। कर लोगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको। और एज अ क्लास वर्क प्रॉब्लम जो है हमने डिस्कस करी थी, उसमें आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस का सलूशन मुझे भेज भी चुके हो, तो कोई दिक्कत है नहीं है सर, ठीक है। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 10 cm² कैरीज करंट 50 एम्पियर, ठीक है। अब आप देखो 10 cm² के एक रेक्टेंगुलर कॉइल में 50 एम्पियर की करंट है, और ये इस प्लेन में है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए मुझे दो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या होता है, I × S होता है, ठीक है। करंट मुझे पता है, S मुझे निकालना है, S मतलब उसका एरिया, उसका एरिया मतलब मॉड S और AN कैप, ठीक है। अब आप देखो मॉड S तो मुझे पता है क्योंकि इसका एरिया गिवन है आपको 10 cm², लेकिन एरिया का यूनिट वेक्टर नहीं दे रखा। यूनिट वेक्टर के लिए आपको ये हिंट दे रखी है कि ये जो प्लेन है, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये इस प्लेन पर लाई कर रहा है ना, 2x + 6y - 3z, 6y - 3z = 7 पर लाई कर रहा है। ये मुझे पता है कि ये एक, इसको माइनस को इधर कर जीरो कर दो, ये एक वेक्टर सॉरी स्केलर है। और अगर मैं इस स्केलर का ग्रेडियंट निकाल लूँ, डेल वी निकाल लूँ, तो ये मुझे क्या देगा, ये एक नॉर्मल डायरेक्शन मुझे प्रोवाइड कर देगा, नॉर्मल वेक्टर देगा, है ना। और अगर मैं इस ग्रेडियंट का मॉड डेल वी से डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर आ जाएगा, है ना। ये ए एन कैप आ गया, ए एन कैप मैं यहाँ पर रख दूंगा, और एस तो मुझे पता ही है, आई मुझे वैसे पता है, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, यहाँ से आप ये निकाल लोगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन इसी में मैंने एड ऑन करा है इस क्वेश्चन के अंदर, कि आपको उसका टॉर्क निकालना है। टॉर्क के लिए क्या होता है, T = m×b, तो आपने इस वाले क्वेश्चन में m निकाला, वो m यहाँ रख दोगे, और b आपको गिवन है, m आप ये वाला रख दोगे, तो आपका t आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको दे रखा है कि H = ये है ना, फ्री स्पेस के अंदर है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस। फ्लक्स थ्रू द सरफेस के लिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज कैलकुलेटेड एज B·dS, ठीक है। और B की वैल्यू कितनी है, μH, μH·dS, ठीक है। अब H मतलब ये, ठीक है, 10^6, म्यू का मतलब म्यू नॉट, क्योंकि म्यू आर तो 1 ही है फ्री स्पेस के लिए। एच की वैल्यू कितनी है, 10^6 / ρ cos φ, 10^6 / ρ cos φ, ठीक है। और सरफेस के अंदर दो चीज़ें होंगी, आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर रो कॉन्स्टेंट है, मतलब फाई और जेड चेंज हो रहे हैं। जब मेरा रो कॉन्स्टेंट है और फाई और जेड चेंज हो रहे हैं, तो मतलब मुझे ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल सर्फेस मिलती है, ठीक है। और सर्कुलर सिलेंड्रिकल सर्फेस का जो यूनिट जो वेक्टर वो होता है डिफरेंशियल सर्फेस एरिया, वो क्या होता है, डी एस विल बी रो डी फाई डी जेड एरो कैप, ये होता है, ठीक है। तो ये आया था एरो कैप, है ना, डॉट प्रोडक्ट कर दो इसका इसके साथ, है ना, डॉट प्रोडक्ट कर दो रो डी फाई डी जेड एरो के साथ, ठीक है।
तो एरो डॉट एरो तो हो गया वन, और इस वाले रो से ये वाला रो कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये बचा म्यू आर म्यू नॉट इंटू 10 पावर 6, ठीक है। और इंटीग्रेट कर दो आप किसको, कॉस फाई डी जेड, और लिमिट क्या है, 0 से 2 पाई फाई और 0 से 2 जेड, तो फाई इक्वल टू 0 से 2 पाई और जेड इक्वल टू 0 से 2, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दो, ये क्या आ गया आपका, समझ आएगा, सॉल्व कर लोगे। म्यू आर की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए कितनी है, फ्री स्पेस है तो म्यू आर की वैल्यू 1, और फ्री स्पेस, ठीक है, सॉल्व कर लोगे। यस सर, ठीक है, तो ये हमारा असाइनमेंट कंप्लीट। और बताओ कोई डाउट है।